हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल्स से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि गवर्नर के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है किसी बिल के ऊपर। और ये सेम आर्टिकल आप देखिए, आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, गवर्नर कांट कीप अ बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वीटो नहीं रख सकते। तो चलिए एक बार देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन द लॉ दैट अ गवर्नर इन केस ही विदहोल्ड्स असेंट टू अ बिल शुड सेंड इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल लिख दिया गया है, विथ अ मैसेज टू रिकंसिडर द प्रपोज्ड लॉ। तो उसके साथ उनको मैसेज भी डालना है। इफ द असेंबली रियाइट्रेट्स द बिल विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, द गवर्नर हैज नो चॉइस और डिस्क्रिशन एंड हैज टू गिव हिज असेंट टू इट। और अगर असेंबली वापस से वो बिल गवर्नर के पास भेजती है तो गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं बचती और उनको उस बिल पे असेंट देना ही है, विद और विदाउट अमेंडमेंट। द नवंबर 10 जजमेंट रिलीज्ड ऑन थर्सडे वॉज बेस्ड ऑन द पिटिशन फाइल्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट अगेंस्ट इट्स गवर्नर एक्शन टू होल्ड बैक क्रूशियल बिल्स। द वर्डिक्ट वुड बी अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू तमिलनाडुस केस। तमिलनाडु असेंबली हैड रिटर्न 10 क्रूशियल बिल्स टू गवर्नर आर एन रवि, हु हैड विदहेल्ड असेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। द सब्सटेंसिव पार्ट ऑफ द आर्टिकल 200, अब आर्टिकल 200 इंपॉर्टेंट हो जाता है, एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू विदहोल्ड असेंट टू द बिल। इन सच एन इवेंट द गवर्नर मस्ट मैंडेटरीली फॉलो द कोर्स ऑफ एक्शन विच इज इंडिकेटेड इन द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर एज सून एज पॉसिबल। तो मतलब अगर लेजिस्लेचर कोई बिल गवर्नर के पास भेजती है, स्टेट लेजिस्लेचर, तो गवर्नर यहाँ पे उसको एज सुन एज पॉसिबल बिल को बताना है सही है गलत है। और अगर बोल रहा है कि कुछ चेंजेस करो तो रिकंसिडर करने के लिए अगर भेज रहा है तो उसके साथ मैसेज होना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। सबसे बड़ी बात यह है, ज़्यादा टाइम तक नहीं, अ मैसेज वारंटिंग द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। अ 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। तो इन्होंने ये चीज बोल दिया है। अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है? द अल्टीमेट डिसीजन ऑन वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द गवर्नर एज कंटेन्ड इन द मैसेज बिलोंग्स टू द लेजिस्लेचर अलोन। तो कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दिया गया है ओवर गवर्नर की। अगर ये बोल रहा है कि एक्सचेंज करो और इसको लग रहा है नहीं हमें नहीं करना एक्सचेंज, तब भी ये ऐसे ही बिल को भेज सकता है गवर्नर के पास विदाउट एनी चेंजेस एंड गवर्नर हैज टू गिव असेंट विदाउट एनी अमेंडमेंट। कि मैंने तो चेंज असेंट दूंगा ऐसा नहीं है। दैट द मैसेज गवर्नर बाइंड द लेजिस्लेचर, ये इंपॉर्टेंट है। द मैसेज ऑफ द गवर्नर डज नॉट बाइंड द लेजिस्लेचर इज एविडेंट फ्रॉम द यूज ऑफ एक्सप्रेशन इफ द बिल इज पास अगेन विथ और विदाउट अमेंडमेंट। तो विथ और विदाउट अमेंडमेंट अगर से जा रहा है तो गवर्नर को असेंट देना ही है। द कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नर हु चोज टू विदहोल्ड द बिल विदाउट डूइंग एनीथिंग फर्दर वुड बी एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नर एज द अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इन पोजिशन टू वर्चुअली वीटो द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव डोमेन बाय ड्यूली इलेक्टिव लेजिस्लेचर बाय सिंपली डिक्लेयरिंग दैट द असेंट इज विदहेल्ड विदाउट एनी फर्दर रिकोर्स। यहाँ पे ये चीज बताया गया है, आप देखिए, गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और जहाँ पे बात आ गई स्टेट लेजिस्लेचर की, ये इनका तो इलेक्शन होता है। और सबसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मेन बॉडी कौन है? पीपल। तो इनको इलेक्ट करता है पीपल। तो पीपल से ऊपर एक नॉमिनेटेड बॉडी नहीं हो सकती जो एक प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर के डिसीजन को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। विदाउट एनी फर्दर रिकोर्स सच अ कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी कॉन्ट्रेरी टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस द कोर्ट हेल्ड। तो यही चीज जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे यही बात हो रही है। द कोर्ट हेल्ड दैट द बिल शुड बी सेंट बैक टू लेजिस्लेचर एज सून एज पॉसिबल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एज सून एज पॉसिबल विद द मैंडेटरी मैसेज। तो एज सून एज पॉसिबल भी हो, मैंडेटरी मैसेज भी हो। इट सेड द एक्सप्रेशन एज सून एज पॉसिबल कन्वेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव ऑफ एक्सपीडिशन। फेलियर टू टेक
a call and keeping a bill duly passed from intermediate period is course of action inconsistent with that expression. Constitutional language is not surplusage. Chief Justice Chandrachud wrote in the 27-page judgment. यहाँ पे 27 पेज, सिंपल सी बात, स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने एज सून एज पॉसिबल SIP उसको वापस भेजा कि एक्स चेंज करो वाई चेंज करो. इन्होंने वापस से ये बिल गवर्नर को भेजा विथ और विदाउट अमेंडमेंट. गवर्नर को फिर से ऐसे, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, गवर्नर को यहाँ पे एसेंट देना ही है. यहाँ पे बिना एसेंट के काम नहीं चलेगा. और पहले वाले में एज सून एज पॉसिबल, अब सेम आर्टिकल है आपके इंडियन एक्सप्रेस में, देख लेते हैं. जस्ट सेकेंड, यहाँ पे लग रहा है कुछ तो यहाँ पे हमने छोड़ा है, लग रहा है एक आर्टिकल छूटा है. ये रहा आपका. गवर्नर कांट कीप बिल पेंडिंग, यहाँ पे साफ बोल दिया गया, गवर्नर जो है बिल को पेंडिंग नहीं रख सकता इनडेफिनेटली, ज्यादा टाइम तक. इसीलिए हमने जैसे अभी आर्टिकल में देखा ASAP का प्रोविजन दिया गया है, एज सून एज पॉसिबल, अंडरलाइनिंग दैट द गवर्नर एज एन अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है गवर्नर का, ये एक मेन पॉइंट है. तो गवर्नर को हम लोग अपॉइंट नहीं करते हैं, और स्टेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हम लोग, पीपल. तो इसीलिए प्रियम्बल में भी दिया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए ये जो पीपल से इलेक्ट नहीं है, इज इंटरेस्टेड विद सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, बट दिस पावर कैन नॉट बी यूज टू थ्वार्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ मेकिंग बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये जो पावर दिया गया है गवर्नर को, वो एक ऑब्स्टिकल नहीं बन सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ मेकिंग पावर में. द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल दैट द गवर्नर कैनॉट बी एट लिबरेट टू कीप अ बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली विदाउट एनी एक्शन व्हाटसोएवर. तो मतलब गवर्नर बिल को चुपचाप नहीं रख सकता, पॉकेट वीटो पे नहीं कर सकता ज्यादा. नथिंग दैट द सब्सटेंसिव पावर 100 powers to bill judgment of Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and Justice J.B. Padiwala and Manohar Joshi said, in such an event, the governor must mandatorily follow the course of action of communication or to the state legislature as soon as possible. तो यहाँ पे communication बोला जा रहा है जरूरी है. A message granting the reconsideration of the bill. तुम क्या reconsider करना है बताना है उसको. The bench made this clear in judgment on a plea by the Punjab government against Governor Purohit, who had kept pending bills to him. Punjab के गवर्नर ने भी बिल रखा है. The detail number and ruling was on the website. This ruling is important given that the government of Tamil Nadu and Kerala too had moved court recently against the governor in action on bill. तो आप देखिए कौन कौन से स्टेट है, पंजाब हो गए, तमिलनाडु हो गए, केरला हो गए, ये सारे स्टेट अपने गवर्नर के प्रॉब्लम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गए. द बेंच सेड द एक्सप्रेशन एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इज सिग्निफिकेंट. इट कन्वेज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव ऑफ एक्सपीडिशन. फेलियर टू टेक अ कॉल एंड कीपिंग अ बिल ड्यूली पास्ड फॉर इंटरमीडिएट पीरियड इन कोर्स ऑफ एक्शन इनकन्सिस्टेंट विद दैट एक्सप्रेशन. तो साफ कि जल्दी से जल्दी एक्शन लो, यही बताया जा रहा है. एविडेंटली कंटेन दिस प्रोविजन बियरिंग द माइंड द इम्पोर्टेंस विच हैज़ बीन अटैच टू द पावर ऑफ लेजिस्लेचर विच स्क्वेयरली लाइज इन द डोमेन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये जो यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर है स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, क्योंकि ये इलेक्टेड बॉडी है, ये इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है. द गवर्नर कैन नॉट बी एट लिबर्टी टू कीप बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली विदाउट एनी एक्शन व्हाट्सएवर. तो बस कि बिना किसी एक्शन के बिल को गवर्नर नहीं रख सकता. द गवर्नर इट सेड इज अ सिम्बॉलिक हेड ऑफ द स्टेट कैन नॉट एंड कैन नॉट विद होल्ड एक्शन ऑन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर.
तो गवर्नर को यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, सिंबॉलिक हेड, सिंबॉलिक हेड साफ बोल दिया गया है, और बोल दिया गया है कि वो बिल को रोक नहीं सकते, होल्ड एक्शन ऑन बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, फेलिंग टू रीड द गवर्नर पावर इन आर्टिकल 200 इन इट्स मैनर वुड मीन दैट गवर्नर एज एन अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट वुड बी इन पोजिशन टू वर्चुअली वीटो द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव डोमेन बाय ड्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेचर बाय सिंपली डिक्लेयरिंग द असेंट इज विदहेल्ड विदाउट एनी फर्दर रिकोर्स. सच अ कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी कॉन्ट्रेरी टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस. वही चीज कि आर्टिकल 200 को गलत इंटरप्रेट किया गया है और बोला जा रहा है कि गवर्नर जो कि एक सिंबॉलिक हेड है, जो कि अनइलेक्टेड है, वो आपके इलेक्टेड बॉडी का कौन स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ मेकिंग पावर को कटेल कर रहा है, और अगर ये कोई बिल पास कर रहे तो सिंपली बोल दे रहा है असेंट इज विथहेल्ड और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो लॉ यहाँ पे नहीं बन पा रहा है. द बेंच सेड दैट द मैनर इन विच द रोल ऑफ गवर्नर एज अ सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट इज परफॉर्म इज वाइटल टू सेफ गार्ड फेडरलिज्म विच हैज बीन हेल्ड टू बी अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज सेड द एक्सरसाइज ऑफ अनब्रिडल्ड डिस्क्रिशन इन एरिया नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर रिस्क वॉकिंग रफ शोड ओवर द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. ठीक है, इन ए स्टडी लाइन ऑफ केस द कोर्ट हैज स्ट्रेंथन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देयर वाइटलिटी टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी बोथ पार्ट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आर इनसेपरेबल. क्या क्या, फेडरलिज्म आपका एक पार्ट हो गया और डेमोक्रेसी एक पार्ट हो गई, इनसेपरेबल. व्हेन वन फीचर इज डाइल्यूटेड इट पुट्स अदर इन पेरिल. द टर्निंग फॉर्क ऑफ डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म इज वाइटल टू रियलाइजेशन ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीडम एंड एस्पिरेशन ऑफ आर सिटीजन. वेन एवर वन प्रॉन्ग ऑफ द टर्निंग फॉर्क इज हार्म इट डैमेजेस एंड इट डैमेजेस द एपरेटस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. द बेंच सेड द गवर्नर इज अ गाइडिंग स्टेट्समैन. यहाँ पे और क्या बोला जा रहा है गवर्नर को, गाइडिंग स्टेट्समैन, गाइडिंग स्टेट्समैन. ठीक है, मे रिकमेंड रिकन्सिडरेशन ऑफ द एंटायरली ऑफ द बिल और एनी पार्ट देयर ऑफ एंड इवन इंडिकेट डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अमेंडमेंट्स. हाउएवर द अल्टीमेट डिसीजन ऑन वेदर नॉट टू एक्सेप्ट और एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ गवर्नर एज कंटेन्ड इन द मैसेज बिलोंग्स टू द लेजिस्लेचर अलोन. अब देखिए हम लोग इसमें देख लेते हैं एक बार हो क्या रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है. इसको हटाते हैं एक बार, पूरा क्लियर कर ही लेते हैं कि क्या हो रहा है. चलिए यहाँ देखते हैं, जस्ट अ सेकंड. ठीक है, आप देखिए एक होता है आपके स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, एक हो गया आपका स्टेट लेजिस्लेचर, एक बॉडी है. दूसरा बॉडी आपका हो गया गवर्नर. ठीक है, पहले हम लोग समझ ले ये कौन है, ये इलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे पीपल का काम है, इलेक्टेड बाय पीपल नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. तो प्रीएम्बल में क्या दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो हमें इसके पावर के ऊपर ज्यादा, हम इलेक्ट किए हैं, ये हमारे इलेक्टेड लोग हैं, तो इन इनके पास राइट्स है हमें रूल करने का, हमने राइट्स इनको दिया है कि हमारे लिए लॉ बनाइए. गवर्नर के पास नहीं है, हमने गवर्नर को राइट नहीं दिया है कि हमारे लिए लॉ बनाइए. तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऑब्वियसली ज़्यादा पावर होना चाहिए. अब होता क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर है, गवर्नर है. अब स्टेट लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया, ठीक है, ये वन है बिल पास किया. गवर्नर के पास आप देखिए वन
4 ऑप्शन रहते हैं। क्या ये 1 2 3 4? पहला, किस बिल को एसेंट दे दे तो ये बिल आपका लॉ बन जाएगा। दूसरा, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, किसके पास? वापस से स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज दे। थर्ड, प्रेसिडेंट के लिए रखे कि प्रेसिडेंट को दिखाएंगे बिल, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रखे। थर्ड, कि अभी कुछ ना करे, पॉकेट वीटो कर ले, कि मतलब अपने पास ही रख ले विद हेल्ड एसेंट, मतलब ना बताए क्या करे। अब अगर ये चीज हो रहा है, अब अभी बोला क्या गया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया, गवर्नर के पास बिल आया, गवर्नर ने ये बिल मानो रिकंसिडरेशन। अब पहली बात तो ये यहाँ पे इसको बोल दिया एसेप करो, जो भी आपको करना है जल्दी से जल्दी करो, आप इसको ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं रख सकते, ये वाला इन्होंने हटा दिया। तो एसेप करो एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो बचता है ये 3 एक्शन, एसेंट दे देंगे लॉ बन जाएगा, प्रेसिडेंट के लिए रखेंगे प्रेसिडेंट देखेगा, और बात आती है फिर अब रिकंसिडरेशन की। मानो इन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, यहाँ पे बिल था, रिकंसिडरेशन के लिए इन्होंने भेज दिया, और इसके साथ इनको एक मैसेज भी देना है कि क्या चेंजेस करने हैं, ये मैसेज देना है। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने इस मैसेज को विथ और विदाउट अमेंडमेंट इसको वापस से भेज दिया गवर्नर के पास। तो गवर्नर के पास अब ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है एसेंट देने का। बस इसमें इतना ही था कि गवर्नर अब आपके स्टेट लेजिस्लेचर वालों को नहीं रोक सकता। आर्टिकल कौन से इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 200 इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा था, साफ बोला गया अब आर्टिकल को सही से पढ़ा जाए। स्टेट लेजिस्लेचर प्लस गवर्नर बॉडी इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, प्लस अगर हम लोग देखें यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म, ठीक है, गवर्नर की बॉडी को हम लोग हटा नहीं सकते, गवर्नर को हमें रखना ही रखना है, फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट हो गया। फोर्थ, डेमोक्रेसी। फिफ्थ, इलेक्शन। प्लस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये सारे पॉइंट्स, ये जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर कैसे आती है, कौन कौन पार्ट लेता है, गवर्नर, जैसे गवर्नर का टेन्योर क्या होता है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो गवर्नर को नहीं, मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है एज अ सिटीजन, हमें क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। देखो, अच्छे गवर्नर है तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ये टेन्योर है, पर कई बार क्या होता है, लोग अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट को प्लीज करते हैं, और प्रेसिडेंट को प्लीज करने का मतलब सेंटर में रूलिंग पार्टी को प्लीज करना। तो इसलिए ये टसल जो है हमेशा चलते रहता है स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर और सेंटर के बीच में। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।